तो वहीं ग्वालियर जिले में निगम अधिकारियों द्वारा शासकीय जमीन पर निजी डुप्लेक्स बनवाने का मामला सामने आया। दरअसल ये मामला यशोदा गृह निर्माण सहकारी संस्था का है, जहां संस्था के फाउंडर मेंबर अतबल सिंह राजेंद्र सिंह यादव ने शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दो मकान अपने नाम पर कर लिए हैं। बता दें कि सहकारिता के नियमानुसार एक मकान एक परिवार के सदस्य को ही दिया जाना चाहिए, जिसके पास मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई प्लॉट, भवन, मकान या फ्लैट ना हो, जबकि इन दोनों ने दो दो मकान अपने नाम कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार यशोदा गृह निर्माण को ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिए सिर्फ सर्वे क्रमांक 61 और 67 पर अनुमति दी गई है, जबकि सर्वे क्रमांक 63 को नजूल विभाग ने सरकारी भूमि होने के कारण उसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। लेकिन गजब है कि सर्वे क्रमांक 63 पर लापरवाह अधिकारियों द्वारा डुप्लेक्सों का निर्माण होता रहा और नगर निगम अंधा बना बैठा है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर नगर निगम के आला अधिकारियों ने भी अपने रहने के लिए भवन निर्माण कराए हैं। और इतना ही नहीं, पवन सिंगल अयोग्य हैं, उसके बाद भी कमिश्नर ने पवन सिंगल को सिटी प्लानर बनाया है। वहीं पूरे मामले में नगर निगम और कॉलोनाइजर की साठगांठ को दर्शाता है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई होगी या फिर प्रशासन अपनी चुप्पी साधे रहेगा। शासकीय जमीन पर बने निगम अधिकारियों के आशियाने, शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते निगम अधिकारी। कमिश्नर ने पवन सिंघल को बनाया सिटी प्लानर, नगर निगम और कॉलोनाइजर की साठ गांठ। आखिर कब होगी मांग 63 को नजूल विभाग ने सरकारी भूमि होने के कारण उसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। लेकिन गजब है कि सर्वे क्रमांक 63 पर लापरवाह अधिकारियों द्वारा डुप्लेक्सों का निर्माण होता रहा और नगर निगम आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर नगर निगम के आला अधिकारियों ने भी अपने रहने के लिए भवन निर्माण कराए हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद भी कमिश्नर ने पवन सिंघल को सिटी प्लानर बनाया है। वहीं पूरे मामले में नगर निगम और कॉलोनाइजर की साठगांठ को दर्शाता है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई होगी या फिर प्रशासन अपनी चुप्पी साधे रहेगा। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। बैठे हुए यहाँ पर बीसी मिश्रा जी का यशोदा रेजिडेंसी में सिटी सेंटर पर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे हमने अभी आपको बाहर दिखाया कि 61 और 67 ये जो है जमीन है, उसके बीच में 63 नंबर की जमीन जो है वहाँ पर, वो सरकारी जमीन है जिस पे नगर निगम के आला अधिकारियों ने भवन निर्माण कर लिया है। ये सरकारी जमीन पर, क्योंकि नगर निगम के आला अधिकारी हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरी जानकारी जो है मेरे ब्रजेश मिश्रा जी हैं, ये यशोदा रेजिडेंसी में ही रहते हैं, इन्होंने RTI के तहत और काफ़ी मेहनत करी है इस पूरी जानकारी के लिए। तो उससे पूछेंगे पूरा मामला क्या है और ये किस तरह से ये मामला देख रहे हैं ये। सर, आपका चैनल पर स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये बताएं, ये यहाँ यशोदा रेजिडेंसी में रह रहे हैं, तो ये क्या मामला है पूरा 61-67? देखो साहब, ये मामला बड़ा एक जैसे एक नटवर लाल की कहानी थी ना, वो ये पूरी कहानी है। ठग लोगों का एक बंधन है और उस ठग गठबंधन ने मिलकर के इसमें करोड़ों का जनता को लूटा, शासन के राजस्व को लूटा, लूट खा पी करके अब जो है कार्रवाई करनी पड़ रही है। चीजें पकड़ में आ गए, कार्रवाई कौन करे? नगर निगम अगर कार्रवाई करता है तो तुमने किस बात के नोट पानी लिए थे? तुमने किस बात के हमको भाई? ऐसा है कि यहाँ अभी आपने बताया 61 और 67 पे मंजूरी हुए, तो 63 पे कुछ नहीं होना चाहिए था। 63 का आपने हवाला भी नहीं दिया। 63 जो है नाला खेड़ा सेड़ा सरकारी जमीन होना बताया नजूल ने, तो 63 पे कैसे निर्माण हुआ है? 63 पे कई डुप्लेक्स बनाए आपने। फिर आ जाइए इसी यशोदा रेजिडेंसी के भाग को, जो टाउन एंड कंट्री प्लान ने जिस चीजों की मंजूरी दी थी, वो मंजूरी अगर आप करते तो काफी हद तक आप ईमानदारी से काम करते। लेकिन आपने क्या किया, नगर निगम ने क्या किया, उस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अभिन्यास को और नक्शे को हटा करके अपनी फर्जी नक्शा बनाया इन लोगों ने, और ये पूरा का पूरा पवन सिंघल जी के देखरेख में हुआ है। पवन सिंघल जो हैं वो इसके मठाधीश हैं। सर, ये अपन कैसे आरोप, ये हम इसलिए हम आरोप लगा सकते हैं क्योंकि साहब जो हमने उनसे पूरी नस्ती ली है, उस नस्ती के अंदर में उस फर्जी नक्शे का अनुमोदन कौन कर रहा है? तो पवन सिंघल जी कर रहे हैं, उनके तमाम जगह दस्तखत हैं। इसमें सहकारिता विभाग का आदेश जो कोर्ट में किया गया, नगर निगम के जांच रिपोर्ट, इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जांच रिपोर्ट, कलेक्टर के आदेश, ये IAS अधिकारी के द्वारा वो किया गया। इसमें साहब एक SDM साहब ने लिखा है, SDM साहब के पास जब ये केस चलता था तो SDM साहब ने उनको बुलाया, कई बार बुलाया, ये साहब जाए ना नगर निगम वाले, तब उन्होंने तंग आकर के
एक टिप लिखी थी इसके अंदर में। ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लाइन कि एसडीएम ने खुद लिख के दिया है कि नगर निगम और उसका अवैध कारोबार करने वालों के साथ में साठगांठ रखता है साहब। ये जांच की गई थी इनके द्वारा और तीन जनों से मिलकर की गई थी जिसमें कि नगर निगम के एक अधिकारी थे और टाउन कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक थे। इन तीनों जनों के उसमें देख रेख में सारे बिंदुओं पर सत्य होना पाया गया था देखिए ये वीके शर्मा जी हैं, अतेन सिंह गुर्जर अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर हैं, ये आशीष तिवारी आईएएस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर हैं, इनकी देखरेख में हुई थी। फिर इसके बाद में कलेक्टर के आदेश हुए थे, कलेक्टर के आदेश तीन बिंदुओं के थे। प्रकरण क्रमांक ये यशोदा रेजिडेंसी का नस्ती क्रमांक है टाउन कंट्री पानी का 03812 2010 में पारित हुआ था जिसमें इन्होंने 61 और 67 पर ग्रुप हाउसिंग अभिन्यास की स्वीकृति ली थी, यानी इसमें 63 नहीं है लेकिन जांच में उनको 63 पकड़ में आया कि आपने 63 की तो मंजूरी ली नहीं थी और 63 में आपने निर्माण किया हुआ है। 15/2022 को जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त आवेदन पर जांच हेतु अधोस्ताक्षर को निर्देशित किया था। तत्पश्चात प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में आवेदक एवं नगर निगम उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश और पंजीयक सहकारिता विभाग को प्रकरण में अपना अपना समर्थन हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। अब साहब ये लोग आए नहीं तो उन्होंने क्या लिखा, उनके द्वारा पत्रों की प्राप्ति प्रति प्रस्तुत की गई, उन्होंने बताया कि अनुज्ञा समाप्त हो गई है और निर्माण अवैध हो गया है। सहकारिता विभाग की ओर से उपस्थित निरीक्षक द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 72 एवं 76 के अंतर्गत पारित कर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर प्रेषित कर दिया गया है। नगर निगम ग्वालियर को कई बार सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई समाधान बताया गया है, जिससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं नगर निगम अमला अवैध कार्य करने वालों से सहानुभूति रखता है, जिस कारण उक्त शिकायत की जाँच पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक दृष्टि से पवन कुमार सिंघल व कार्यपालन यंत्री को वर्तमान कार्य के साथ साथ नगर निवेशक का दायित्व सौंपा जाता है। श्री प्रदीप वर्मा उपयंत्री नगर निवेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त रहेंगे क्योंकि वो शायद चोरी में पकड़े जा चुके थे रंगे हाथों आर्थिक अपराध द्वारा। अब साहब संचालनालय नगर था ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल ने पत्र भेजा और उसमें लिखा, पत्र कब भेजा, 17 को भेजा और उसमें लिखा कि ये पवन सिंघल सहायक यंत्री कीर्तिवर्धन मिश्रा सहायक यंत्री तथा अजय पाल सिंह आवेदन सहायक यंत्री को संचालनालय के आदेश इतने 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 2006 पत्र क्रमांक 3631 दिनांक 12/7/13 एवं 11/80 दिनांक 20/4/15 द्वारा भवन अधिकारी का अनुमोदन किया गया था संदर्भित पत्र के माध्यम से आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा उक्त अधिकारियों को दी गई भवन अधिकारी बनाए जाने की अनुमति निरस्त किए जाने हेतु लेख किया गया है जिसका अनुमोदन किया जाता है। मतलब ये भवन अधिकारी के लिए भी फिट नहीं है। नगर निगम के जो अपर आयुक्त थे क्या नाम है अतुल सिंह यादव जो कि एक्सटेंशन रोके हुए है ना, उनके भी यहाँ भवन निर्माण है। हाँ, उनका मकान है, है ना, तो दो मकान है साहब। सहकारिता विभाग में एक ही मकान आप ले सकते हैं, एक ही अंश उनके पास में दो है, ऐसे तीन चार आदमी का दो दो मकान है, कैसे लिया आपने? और दूसरों को आप दूसरों के ऊपर में कोर्ट केस करते हैं कि साहब दूसरों के ऊपर में आप कोर्ट केस करते हैं कि आपने दो मकान कैसे ले लिया हमको अधेरे में रख के? अरे आपने तो खुद लिया दो दो मकान। आपको बता दूं थी कि मैं अभी तो मैंने ये आपको एक खुलासा किया जमीन को लेकर कि 61 और 67 की 63 पर आला अधिकारी नगर निगम के भवन निर्माण बनाए बैठे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे खुलासे करूंगा, जैसा ब्रजेश मिश्रा जी बता रहे हैं कि इसमें लगभग 350 करोड़ रुपए का घपला है, जिसमें से 125 करोड़ रुपए घपला तो ये ऑन रिकॉर्ड रखे हुए हैं दिखाने की स्थिति में, बाकी और दिखाएंगे। तो ये पूरी मैं आप मेरे संग बने रहना, मैं एक एक खुलासे करूंगा। मैं योगेश मिसारिया, एनकेएन नेशनल न्यूज़ चैनल ग्वालियर।